हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. कल हमने पढ़ा था कि जो नैरेटर थी अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को याद करना चाहती थी. शी वॉन्ट्स टू टच दैम, टू रिमेंबर दैम, टू सी दैम ऑल्सो. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. I asked her if her mother was at home. तो उसकी जो पहली मीटिंग थी मिसिज डॉर्लिंग के साथ, जब वो उसके घर पर गई तो वो वेन रही, बेकार रही. तो पहली विजिट बेकार होने के बाद नैरेटर ने डिसाइड किया कि वो एक सेकेंड टाइम चांस लेगी और फिर से कोशिश करेगी. वो उसके घर पर पहुंची. अब लगभग एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला. नैरेटर ने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर थी. नो, शी सैड, माई मदर्स डूइंग एन इरेंट. तो उसने कहा कि नहीं, उसकी माँ किसी इरेंट मीन्स जरूरी काम से बाहर गई थी. नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर. तो नैरेटर ने कहा कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट कर लूँगी. आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज. एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. तो वो उस लड़की के पीछे पीछे वेरेंडे से होती हुई अंदर गई. वहाँ पर एक पुराने टाइप का, ओल्ड फैशन्ड, पुराने टाइप का एक हनुक्का कैंडल होल्डर, कैंडल होल्डर जो कि एक कैंडल स्टैंड होता है, वो वहाँ पर नेक्स्ट टू अ मिरर, एक मिरर हंग था, लटका हुआ था, उसी के साइड में वो कैंडल हैंगर एंड सॉरी स्टैंड, कैंडल स्टैंड लटका हुआ था. वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर क्यूबर्सम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. तो वो जो कैंडल स्टैंड था वो भी नैरेटर की मदर का ही था और उन्होंने उसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया था क्योंकि एक खाली एक कैंडल लगाने के लिए वो ज़्यादा सही नहीं था. इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा क्यूबर्सम मीन्स वॉज वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी था, तो इसलिए उसमें इट वॉज मच मोर क्यूबर्सम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, कि एक सिंगल जो कैंडल थी उससे भी कम भारी था वो, यानी बहुत ज़्यादा लाइट था, हल्का था वेट में, इसलिए उन्होंने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया था. नैरेटर यहाँ पर ये कहना चाहती है कि वो एक एक मोमबत्ती भी उसमें नहीं लगा सकते थे इसलिए. वोंट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल. तो उस लड़की ने कहा क्या तुम बैठोगी नहीं. शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर. तो उस लड़की ने जो लिविंग रूम का डोर था, लिविंग रूम मीन्स जो बैठक थी, जो ड्राइंग रूम जिसको हम कहते हैं, वहाँ का दरवाज़ा उसने खोला और वो उसके पीछे पीछे अंदर गई. आई स्टॉप्ड, नैरेटर रुकी, हॉरिफाइड, डर गई. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. क्योंकि वो एक ऐसे रूम में थी जहाँ पर वो सब चीज़ों के बीच में थी जिनको वो जानती थी और जानती भी नहीं थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग, क्योंकि वो उन सारी चीज़ों के बीच में खड़ी थी जिन चीज़ों को वो दोबारा से देखना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से वो एक स्ट्रेंज एटमोसफेयर में थी उन चीज़ों ने उसको ओप्रेस्ड कर दिया, परेशान कर दिया, क्योंकि वो चीज़ें एक अलग ही एटमॉस्फेयर में अरेंज की गई थी. जिस तरह से अरेंज की गई थी वो उनको देखकर थोड़ी परेशान हो उठी. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, आई डोंट नो बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. तो वहाँ का जो एटमोसफेयर था वो बहुत ही टेस्टलेस था. अस्त व्यस्त तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें अरेंज की गई थी. जो फर्नीचर था वो गंदा था. जो स्मेल थी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सीलन वाली थी, मगी स्मेल थी.
और वो कहती है कि उसे नहीं पता था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, बड़ी मुश्किल से उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने चारों तरफ उन चीज़ों को देखे। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, उस लड़की ने एक चेयर को मूव किया। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, तो वो बैठी और फिर उसने एक वूलन टेबल क्लॉथ को देखा, ऊन से बना हुआ एक टेबल क्लॉथ था, उसको देखा। आई रब्ड इट, उसने उसको हाथ से रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, तो रगड़ने से, अब क्योंकि वो वूलन था, उसकी जो फिंगर्स थी वो गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, अब जिस पैटर्न से उसको बनाया गया था उसने उस पैटर्न को ध्यान से देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, तो उसने सोचा कि समवेयर ऑन द एज, किनारे पर कहीं तो एक जलने का निशान था जो कि अभी तक भी रिपेयर नहीं किया गया था, मतलब जो उस टेबल क्लॉथ पर, वूलन टेबल क्लॉथ पर जो बर्निंग मार्क था वो उसकी मदर के टाइम से ही था और उसको अभी तक रिपेयर नहीं किया गया था, और जो नैरेटर थी वो उसने उसको देख लिया था। माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल, अब उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्द ही आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, कि मैंने ऑलरेडी उनके लिए चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप चाय लेंगी? थैंक यू, तो नैरेटर ने उसको थैंक यू बोला। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट्स कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, तो नैरेटर ने ऊपर देखा और उस लड़की ने, जो मिसेस डोर्लिंग की लड़की थी, उसने जो चाय के कप थे वो टेबल पर रेडी किए। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी जो बैक थी वो भी बिल्कुल अपनी माँ के जैसी थी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल अपनी माँ की जैसी। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक वाइट पॉट से कप में चाय उड़ेली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, आई रिमेम्बर, तो उसको याद था कि उनके जो लिड थे, ढक्कन थे, उस कैटल का जो ढक्कन था पॉट का, उसके ऊपर गोल्डन बॉर्डर ऐसे होना चाहिए। शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, फिर उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाली। दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, तो नैरेटर कहती है कि उसने अपनी खुद की आवाज़ सुनी, मानो उसकी अंतरात्मा कह रही हो कि ये बॉक्स तो बहुत ही सुंदर था। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये आवाज़ उसको खुद को अपनी आवाज़ ही बहुत स्ट्रेंज लगी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसे लग रहा था कि मानो उस रूम में हर एक आवाज़ डिफरेंट थी। ओ यू नो अबाउट दैम, शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रोट मी माई टी, तो वो लड़की उसकी तरफ मुड़ी और उसको चाय देते हुए बोली कि क्या तुम इन सब को जानती हो। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, तो वो लड़की बोली कि मेरी माँ कहती है कि ये बहुत ही एंटीक हैं। वी हैव गोट लोट्स मोर, कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, और ये कहते हुए कि खुद ही देख लो, उसने उस कमरे में जो चीज़ें लगाई हुई थी, जो टेस्टलेस मैनर से लटकी हुई थी, उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए उसने ये बात बोली। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, नैरेटर कहती है कि उसको उसके इशारे को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग शी मीन्ट, क्योंकि वो जानती थी कि उसका मतलब किन चीज़ों से था। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, वो अभी भी उस चाय की टेबल पर लाइफ को, जो कि उसके लिए चेंज हो गई थी, उस टी टेबल को वो देख रही थी। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, आई हैड ऑलवेज फैंसी द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, वो हमेशा से एक जो प्यूटर प्लेट होती है, प्लेट में जो डाइनिंग टेबल पर जो फ्रूट
की जो प्लेट रखी होती है उसमें रखे हुए एप्पल की वो हमेशा से शौकीन रही थी। तो इस तरह से जो नैरेटर थी उसने उन सारी चीज़ों को देखा, लेकिन अब वो उन सब चीज़ों के लिए उतनी ज़्यादा फैंसी नहीं रही थी जितना वो वहाँ आने से पहले सोच रही थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।